अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज बठिंडा में अलग अलग स्कूलों के करीब 15 बच्चे सिविल अस्पताल में दाखिल हुए जिनको खसरे की वैक्सीनेशन दी गई थी। एकदम से इतने बच्चे दाखिल होने पर अस्पताल प्रबंधन को भी हाथों पैरों की पड़ गई। फिलहाल उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बारे में SMO ने बताया कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन चल रही है उसमें जितने भी बच्चों को कुछ दिक्कत आई थी, थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, वह बच्चे बिल्कुल ठीक है। आज भी 15 बच्चे आए थे जिनमें से एक मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया था और एक को निजी अस्पताल में भेजा गया था। दोनों की हालत ठीक है और बाकी के 13 बच्चों का इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। खसरे की वैक्सीनेशन से होने साइड इफेक्ट का पूरा प्रबंध उनके पास है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का कोई बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं, अभिभावकों घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब विच स्टार्ट की गई सी, बठिंडा के भी 1 मई तो स्टार्ट की गई। वो पहला सारे स्कूल एक्टिविटी असी 5 तरीक तक 52,000 बच्चों को जोड़ा इंजेक्शन लगा चुके हैं। वो साढ़े को माइनर साइड इफेक्ट कुछ जोड़े है साइड इफेक्ट के ना, साढ़े को 15 बच्चे दाखिल हुए हैं। 15 बच्चों तो एक बच्चा असी फरीदकोट रैफर किया, वह भी बिल्कुल ठीक है। और एक बच्चा अब जरा एडमिशन हुई सी मैक्स हॉस्पिटल रैफर किया गया, वह भी बच्चा ठीक है। बाकी जोड़े बच्चे है साढ़े को अंडर ऑब्जरवेशन है, उन्होंने ट्रीटमेंट साढ़े पीडियाट्रिशन देख रेख के चल रहे हैं। इस करके कोई भी बच किसी भी पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं। साढ़े जोड़े जो पीडियाट्रिशन है 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है और साड़ी जो है सारी तरफ पूरा इंतजाम है। परसों दिखाया दिखाई मुड़के बुखार उतरे नहीं जी, सदाने भी होर हो गए। ठीक हो गया डॉक्टर तो आए नहीं, हो रही आए से पता नहीं कहे आए से लैन वास्ते घर गड्डी से लाए थे सू वास्ते तो उ देख के कहते इन बच्चों अस्पताल से दाखिल कराओ, बठिंडे दाखिल कराओ। अज सुबह इतने लैके आए ठीक है जी, अभी तक तो ठीक है जी, कहाँ देखा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।